गुड डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट स्टूडेंट टूडे आई शेल टीच यू क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन नंबर 7. नेम ऑफ द चैप्टर इज द नेकलेस. नेम ऑफ द राइटर इज गाय डी मोपासेंट एंड इट्स ए पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर. स्टूडेंट इट्स ए पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकेंड पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर. एंड द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मैम लॉयसल सीम सैड डिस्टर्ब ऑन्शियस. Nevertheless, her dress was nearly ready. The day of the ball approached, और student जो दिन था ball का, जो party का दिन था, वो approach वो आ चुका था, जब party पे जाना था. Ma'am Loisel और जो Ma'am Loisel थी seemed sad, वो बहुत उदास नज़र आ रही थी, disturbed नज़र आ रही थी, anxious परेशान नज़र आ रही थी. तो उसे जो party पे जाना था, Ma'am Loisel को जो है party में जाना था. Nevertheless, her dress was nearly ready. कहते इस पर भी दिन तो आ गया था party का. बाल अप्रोच द डे ऑफ द बॉल अप्रोच पार्टी का दिन तो अप्रोच हो चुका था, नज़दीक आ चुका था, और फिर भी उसकी जो ड्रेस थी वो अभी रेडी नहीं थी. नियरली हर ड्रेस वॉज रेडी. नेवर्थलेस कहते इस पर भी अभी उसकी ड्रेस रेडी थी. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग और हर हस्बैंड सेड टू हर और उसके हस्बैंड ने उसको एक शाम को बोला, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हुआ, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. और हस्बैंड ने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम 2 or 3 दिन से जो है बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो. एंड शी रिस्पॉन्डेड, तो उसने बोला, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल्स. आई एम वैक्स्ड, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास गहने नहीं हैं पहनने के लिए. नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, कि मेरी ड्रेस तो रेडी है. ही सेड हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस तो लगभग रेडी थी. तो उसने कहा मेरे पास ज्वेल नहीं है, वो इसलिए वो वैक्स्ड है, इसलिए वो परेशान है. नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ, और कुछ भी नहीं है उसको अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, अपने आप को अडॉर्न करने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए कुछ नहीं है. आई शेल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो लुक है ना, वो ऐसे लगता है पॉवर्टी स्ट्रिकन है, कि एक जैसे कोई गरीब की नज़र आती है, गरीब इंसान की जो लुक नज़र आती है, मुझे ऐसा लग रहा है. मेरी लुक से ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई अमीर घर की हूँ. मैं आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो उसने बोला कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं पार्टी में जाऊँ. ही रिप्लाइड, तो उसके हस्बैंड ने कहा, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स. तो उसने अपनी वाइफ से बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, कुछ नेचुरल फ्लावर से अपने आप को डेकोरेट कर लो. इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस सीज़न में तो ये नेचुरल फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं. दे लुक वेरी चिक, चिक मीन्स बहुत सुंदर लगते हैं. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो मानी नहीं. नो शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं मैं ये फ्लावर नहीं लगाऊंगी. देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, ये तो एक बेइज्जती वाली बात है, इंसल्ट वाली बात है. ह्यूमिलेटिंग इंसल्ट. देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, ये तो इंसल्ट वाली बात है, देन टू हैव ए शेबी ईयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच मैन. रिच वुमेन कहती, जब मैं इस रिच वुमेन जो अमीर औरतों के बीच में होंगी, तो ये शेबी ईयर लगेगी. अगर मैं नेचुरल फूल लगा लूँगी तो ये एक शेबी ईयर लगेगी, जो जब मैं अमीर औरतों के बीच में पार्टी में जाऊँगी तो. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका हस्बैंड चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने बेवकूफ़ हैं. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फ्रस्टर एंड आस्क हर टू लेंड योर ज्वेल्स. तो उसके हस्बैंड ने बोला, हम कितने बेवकूफ़ हैं, जाओ और अपनी फ्रेंड के पास जाओ, मैम फ्रोस्टियर के पास. उसने अपनी वाइफ को बोला, अपनी मैम, अपनी फ्रेंड जो है मैम फ्रोस्टियर, उसके पास जाओ. एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, और उसे बोलो मुझे गहने जो है उधारे दे दो. शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, और वो खुशी से चिल्लाई, इट इज़ ट्रू शी सेड, उसने कहा ये बात सही है. आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन क्या हुआ, वो अपनी फ्रेंड के घर पे चली गई. अनरिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने अपनी परेशानी की सारी कहानी सुनाई अपनी फ्रेंड को. और अपने उसकी फ्रेंड का नाम था मैम फ्रोस्टियर. मैम फ्रोस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, मैम फ्रोस्टियर जो थी अपनी अलमारी के पास गई. टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा जो है गहनों का बक्सा लेके आई. ब्रॉट इट, इसको लेके आई, ओपन इट, खोला एंड सेड, क्या बोला, चूज माई डियर, माई डियर चुन लो कौन से गहने तुमने पहने, जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो. शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, तो उसने जो मैम लॉयसल ने क्या देखा, पहले ब्रेसलेट देखे, देन ए कलर ऑफ पर्ल्स, फिर एक मोतियों का पट्टा देखा, देन ए वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, फिर उसने एक गोल्ड का सोने का वेनिशियन क्रॉस देखा.
एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और ऐसे गाने भी, ऐसे गहने भी देखे उसने जिसकी बहुत प्रशंसा की जा सकती है कि वर्कमैनशिप कि बहुत अच्छे किसी कारीगर ने बना रखे हैं इतने डिज़ाइन वाले। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और फिर उसने वो गहने पहन के शीशे के सामने अपने आप को दिखा। हेसिटेटेड, हिचकिचा रही है, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम नॉर लीव दैम, और उसने गहने सारे देखे परंतु वो फैसला ही नहीं कर पा रही टू टेक दैम और नॉर लीव दैम। ना तो ये फैसला कर रही है कि मैं किसी गहने को ले लूँ, और ना ही ये फैसला कर रही है कि मैं छोड़ दूँ। देन शी आज, फिर उसने बोला, हैव यू नथिंग मोर, क्या और भी गहने हैं तुम्हारे पास? मिसिस फ्रोसेस ने बोला, वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ क्यों, यहाँ क्यों, हाँ लुक फॉर योर सेल्फ, देखो इसमें से खुद ढूंढो, खुद देखो, आई डोंट नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। और मैम फ्रोसेस ने बोला, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा पसंद है। सडनली शी डिस्कवर्ड, और सडनली अचानक ही जो है मैम लॉयसन ने देखा, इन्हें ब्लैक सेटिन बॉक्स, एक काले रंग का बॉक्स था, इस सुपर्ब नेकलेस, और एक अच्छा सा नेकलेस था डायमंड्स का। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज़ शी टुक इट आउट, और मैम लॉयसल के तो हाथ कांप गए जब उसने जो है इस डायमंड के नेकलेस को बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, और उसने अपनी ड्रेस के साथ जो है इसको गले पे नेकलेस को लगा के देखा, एंड वाज एक्सटेटिक, और जो है हैरान हो गई। देन शी आस्क्ड इन एन हेसिटेटिंग वॉइस, फिर उसने हिचकिचा के बोला, फुल ऑफ एंग्जायटी, हैरान होके, कुड यू लेंड मी दिस, क्या आप मुझे ये दे दोगे उधार? ओनली दिस, उसको चिंता थी, फुल ऑफ एंग्जायटीज, उसको जो है चिंता थी, कुड यू लेंड मी, क्या आप मुझे इसको उधार दे दोगे? ओनली दिस, सिर्फ ये। वाई येस, क्यों, हाँ, सडनली, निश्चित तौर पर मैं आपको दे दूंगी ये। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, और मैम लॉसेल जो थी वो अपनी फ्रेंड की जो है गर्दन पे जो ऐसे झुक गई, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और प्यार से जो उसको अपनी फ्रेंड को गले लगाया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर अपने खजाने के साथ, अपने डायमंड नेकलेस के साथ जो है वहाँ से चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, फिर स्टूडेंट क्या हुआ, पार्टी का दिन जो है नज़दीक आ गया। मैम लॉयसल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, मैम लॉयसल जो है बहुत कामयाब हो गई। शी वॉज द प्रेटेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वह तो बहुत सुंदर लग रही थी, एलिगेंट, सुंदर लग रही थी, ग्रेशियस, शानदार लग रही थी, स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी, फुल ऑफ जॉय, बिल्कुल जो है खुशी से भरी हुई थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, और जब वो पार्टी में गई, जितने भी सब आदमी थे सब ने उसको नोटिस किया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसको ये भी कहा कि अपनी प्रेजेंटेशन देगी। शी डांस विद एंथुसियाज्म, और उसने जो डांस भी किया, मैम लॉयसल ने डांस किया बड़े उत्सुक हो गए। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेशर, प्लेशर होता है खुशी, इंटॉक्सिकेटेड नशे में, और खुशी से जो नशे में चूर थी, एंड थिंकिंग ऑफ नथिंग, और कुछ नहीं सोच रही थी, क्या सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमायरेशन, परंतु क्या था, कुछ नहीं सोच रही थी क्या था, लोग प्रशंसा कर रहे थे, एडमायरेशन कर रहे थे, उसको एडमायर कर रहे थे। दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट, और उसको ऐसा लग रहा था वो विक्ट्री, वो जीत चुकी है, उसकी जो जीत कम्प्लीट हो गई है। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके मन को बहुत अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, उसको ये लग रहा था कि मैंने ड्रेस भी अच्छी पहनी है, गहने भी अच्छे पहने हैं, लोग भी मेरी प्रेज कर रहे हैं, और वो बहुत खुश थी, तो उसे लगा कि उसकी विक्ट्री कम्प्लीट हो गई। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके मन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। शी वेंट होम टू वर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और फिर वो घर पर चली गई 4 बजे सुबह। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ असलीप इन वन ऑफ द लिटल सैलून सिंस मिडनाइट, और उसके पति जो थे वो तो कहते हैं सैलून में जो है आधी रात तक सोए रहे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ असलीप, आधे सोए हुए थे, इन वन ऑफ द लिटल सैलून, एक छोटे से सैलून में किसी बार्बर की दुकान पे आधी रात से वो वहीं सो रहे थे। विथ 3 other gentlemen, और 3 और भी उनके साथ आदमी थे, जेंटलमैन थे, हुज वाइज वर एंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, और उनकी पत्नी भी वहाँ पे इंजॉय कर रही थी। तो मैम लॉयसल जो थी वो भी पार्टी में एंजॉय कर रही थी, और उसके जो हस्बैंड थे और जो 2 or 3 लेडीज़ जो है मैम लॉयसल के साथ डांस कर रही थी, उनके हस्बैंड भी और मैम लॉयसल के हस्बैंड भी जो है सैलून में जो आधी रात तक वहाँ बैठे रहे, बातें कर रहे थे। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मॉडेस्ट रैप दे हैड कैरिड, हुज पॉवर्टी क्लैश विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर, और जो मैम लॉयसल का पति था उसने क्या किया, उसके मैम लॉयसल के कंधों पे जो है द मॉडेस्ट रैप, एक मॉडेस्ट जो है शॉल डाल दी। एंड दे हैड कैरिड, और वो लेके आए हुए थे
जब वो आधी रात को जो है 4 बजे वो घर जाने लगे, तो उसने क्या किया, उसके पति ने उसके कंधों पे जो है शोल्डर पे एक शाल डाल दिया, दे हैड कैरिड, जो उनके पास था, हुज पॉवर्टी क्लैश विद द एलिगेंस। और वो कम जो था, वो जो शाल था पहना हुआ था, वो उनकी पॉवर्टी को क्लैश कर रहा था एलिगेंस ऑफ द बाल कस्ट्यूम। जो बाल कस्ट्यूम थे, जो पार्टी के लिए उसने कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, शानदार एलिगेंस कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, वो उसकी पॉवर्टी को क्लैश कर रहा था जो शॉल उड़ा दिया था उसके पति ने। शी विश टू हरी अवे, और वो चाहती थी कि अब यहाँ से जल्दी निकल लो, इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस, ताकि कोई नोटिस ना कर ले बाय द अदर वुमेन, कि जो और दूसरी लेडीज़ हैं वो उनको कोई नोटिस ना कर ले, हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन ए रिच पर्स। और उसे ये लगा कि अब ये मैंने मॉडेस्ट रैप पहना हुआ है, एक शॉल पहन लिया हुआ है, और अब जो यहाँ से जल्दी से चले जाओ ताकि कोई नोटिस ना करे, जो दूसरी औरतें वो नोटिस ना कर पाएँ। और वो जो दूसरी औरतें थी वो क्या थी, रैपिंग देम सेल्फ इन रिच फर, और जो दूसरी औरतें थी उन्होंने तो बहुत रिच फर पहने हुए थे, अच्छी अच्छी शॉलें पहन रखी थी, अच्छे अच्छे उन्होंने कपड़ों से अपना शरीर ढका हुआ था। लाइजल डिटेन्ड हर, और लाइजल ने उसको रोका, उसके पति ने, वेट, उसने बोला, सेड ही सेड, उसने बोला, लाइजल डिटेन्ड हर, उसने जो रोका उसको, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक कैब को बुला के लाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, परंतु उसने कुछ नहीं सुना। डिसेंडिंग द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी से जो है सीढ़ियों से जो है वो उतर गई वो। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरियज, जब वो गली में आए तो उन्होंने देखा कोई कैरियज नहीं, कोई गाड़ी नहीं थी। दे बिगिन टू सीक फॉर वन, और वो देखने लगे कि कोई गाड़ी नज़र आए, कोई कैरियज नज़र आए जाने के लिए, कोई कन्वीनियंस जो है, कोई ट्रांसपोर्ट नज़र आए। हेलिंग द कोचमैन, उन्होंने एक कोचमैन को बुलाया, हेलिंग मीन्स बुलाना, हेलिंग द कोचमैन होम दे सा एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे उन्होंने एक कोचमैन देखा, एक गाड़ी वाला देखा, उसको बुलाया। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर, और वो नदी के किनारे चलने लगे, होपलेस थे एंड शिवरिंग, और कांप भी रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियज, और आखिर में उन्हें एक जो है पुराना कैरियज, जो है पुरानी गाड़ी मिल गई, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर द नाइटफॉल, जब रात हो जाती है तो पेरिस में जो है कोई पुरानी गाड़ी जो है उनको नज़र आ गई। इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर, और ये जो कैरियज था, ये जो गाड़ी थी उनकी, जो ट्रांसपोर्ट थी, तो वो उनको उसको जो लेके गया उनके दरवाजे तक। दे वेंट वियरली, और वो जो है थके हुए थे, वियरली मीन्स थके हुए थे, अप टू देयर अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मीन्स अपने कमरे में, तो वो थके हुए थे और अपने अपार्टमेंट में पहुँचे, अपने घर पे पहुँचे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब तो उसके लिए जो सब खत्म हो चुका था, पार्टी खत्म हो गई। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेम्बर्ड, और उसके पार्ट में जो है उसको याद था, दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, और उसके हस्बैंड को ये पता था कि अगले दिन 10 बजे तक उसको जो है सुबह ऑफिस जाना है। शी रिमूव द रेप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास, शी रिमूव द रैप, उसने जो उस शॉल को रिमूव किया, मैम लाइजल ने जो अपना रैप शॉल को रिमूव किया अपने कंधों से, बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने जो रैप जो उसने हटाया, फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और वो अपने आपको ग्लास में, शीशे में देखने लगी, फाइनल व्यू देखने लगी, हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, कि वो कैसी लग रही है, हर ग्लोरी, कि वो शानदार लग रही है, एक बार फिर अपने आप को शीशे में आखिरी बार देख ले कि कितनी सुंदर लग रही है। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, और जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो क्या हुआ स्टूडेंट, सडनली शी अटर्ड ए क्राई, अचानक ही वो जोर से चिल्लाई, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, और वो जो नेकलेस जो पहन के गई थी डायमंड का, वो उसकी गर्दन में ही नहीं था। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर, रेस्ट ऑफ द थिंग आई शिल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो, आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। स्टूडेंट यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.